हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में हर जगह ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है कोरोना का, काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। और हमारे देश में भी ये दिल्ली में, महाराष्ट्र में एवं अन्य राज्यों में काफ़ी सारी संख्या में इसके जो है मरीज मिले हैं। और ये बहुत जल्दी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसी के चलते हुए दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने अभी कल इमरजेंसी बैठक बुलाई थी दोस्तों, और उस बैठक में इस नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के नाम का है, कोरोना का नया वेरिएंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसी पे जो मीटिंग की है दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने, दोनों सरकारों ने मीटिंग की है और अपनी तैयारियाँ की हैं। दोनों सरकारों ने अपने अपने अधिकारियों से बातचीत की, सलाह मशवरा किया और आने वाली परेशानियां हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा इस पर चर्चा किया, और उनके समाधान के लिए जो भी उपाय वो कर सकते हैं उस पर चर्चा किया, और बहुत ही ज़्यादा इस पर ध्यान देने के लिए अपने सभी अधिकारियों को बोला गया है। तो मैं दोस्तों आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी, जितने भी हमारे कमर्शियल ड्राइवर भाई हैं, वो सावधान रहें एवं जब भी कोई सवारी बैठे तो हमेशा सवारी को भी मास्क पहनने के लिए कहें और खुद भी मास्क लगाएं, और अपने पास सैनिटाइजर अवश्य रखें दोस्तों, एक हाथ में लगाने वाला और एक गाड़ी पे स्प्रे करने वाला। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो हैं ड्राइवर भाई, जितने भी हमारे ड्राइवर, क्योंकि दोस्तों जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अगर कोई बीमार पड़ जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वो लाखों रुपए खर्च कर सकें। तो इससे बेहतर यही है दोस्तों कि अपना बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो आप लोगों को एक सूचना के देने के लिए बनाई गई है, इसको ध्यान से दोस्तों। ये जो कोरोना वायरस है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ये गरीब अमीर अच्छा बुरा कोई भी बीमारी हो, किसी अच्छे बुरे को, अमीर गरीब छोटे बड़े को नहीं देखती है, ना ही वो पहचान के होती है, वो किसी को भी हो सकती है। इसलिए अपना बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, अगर बीमार पड़ गए तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करा सकें, सरकारी हॉस्पिटल में भी इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन दोस्तों पिछले साल आपने देखा होगा जब दूसरी लहर आई थी कोरोना की, तो कितनी ज़्यादा मौतें हुई थी, जो अस्पताल में एक बार चला गया वापस आने के उसके चांस बिल्कुल ना के बराबर थे। तो दोस्तों सावधान रहें, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए बनाई है कि आप सभी लोग सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कदम उठाने जा रही है उससे लगता है कि आने वाले कुछ एक महीने में या कुछ और समय में हो सकता है अगर लॉकडाउन लग जाए दोस्तों, पिछली बार दो बार लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन से अभी तक हमारे ड्राइवर भाई कर्जे से नहीं निपटे हैं, अभी भी उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर ये तीसरी बार लॉकडाउन लग गया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जैसे कि दिल्ली सरकार ने पिछले लॉकडाउन में हम सभी ड्राइवर भाइयों को 5,000 रुपये दिए थे, तो जब भी लॉकडाउन लगेगा आशा यही करते हैं कि दिल्ली सरकार हम ड्राइवर भाइयों की मदद करती रहेगी। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, किसी भी सरकार पर डिपेंड ना रह के हम अपना काम जो है अभी से उस पर सेविंग करना शुरू कर दें, ताकि हमारे आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो हम उसका मुकाबला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको करीब 1-2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ई श्रम कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी थी, तो दोस्तों ये जो ई श्रम कार्ड आप देख रहे हैं, ये ई श्रम कार्ड आप सभी ड्राइवर भाई जितने भी हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी चलाते हों, ऑटो टैक्सी ओला उबर कुछ भी चलाते हों दोस्तों, आपको ये ई श्रम कार्ड अवश्य बनवा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आने वाला समय जो है लगता ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों वाला आने वाला है, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा है। तो अगर कोई भी सरकार अगर हमें मदद करना चाहेगी, तो अगर हमारा ये ई श्रम कार्ड बना होगा तो दोस्तों इसके जरिए वो हमें पैसे दे सकती है, जिससे हमारा कुछ समय तो कट जाएगा दोस्तों। तो सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आपने ये ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बनवाया तो हमारी ये वाली वीडियो देख के इसमें भी अपना ई श्रम कार्ड अवश्य बनवा लें। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मात्र 10 मिनट में बन जाता है, आप अपने फ़ोन पे ही अपने घर पे ही बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक आधार कार्ड चाहिए और एक आपका बैंक का अकाउंट चाहिए, बस दोस्तों उसी का डिटेल उसमें डालनी है और आपका 10 मिनट में ये बन जाता है। तो दोस्तों सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये ई श्रम कार्ड अवश्य बनवा लें,
ताकि भविष्य में कोई भी सरकार अगर हमारी मदद करना चाहे तो बड़ी आसानी से कर सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही ड्राइवर संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।